नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू नेहा'स नेचुरल लाइफ। तो आज का ये शॉर्ट ब्लॉग इसलिए बन रहा है क्योंकि अब तक मैं भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि लोग बोल रहे थे कि पायल मलिक की फेक प्रेगनेंसी है। फाइनली अभी एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि दिख रहा है साफ कि कैसे वो अपना पेट पकड़ के इधर से उधर सरका सकती है। ये बात तो आपको भी हजम नहीं हुई कि जो मेरे को कमेंट्स में अभी तक हेट दे रहे थे, आई थिंक उनको भी ये बात हजम नहीं हुई होगी। नहीं हुई ना? तो अगर आपको मेरी बात पे आज भी यकीन नहीं है और ये बात अगर आज भी झूठी कहलाई जाएगी तो एक चीज बताओ, अगर आप भी कभी प्रेग्नेंट हुए हो तो आपने अपना पेट ऐसे उठा के कैसे इधर उधर कर लिया? क्या आपने भी कभी ऐसा किया प्रेगनेंसी में? नहीं किया है? अरे कैसे नहीं किया होगा, आप तो हमें झूठा बता रहे थे ना। अगर आपको असलियत देखनी है तो जो आगे वीडियो आ रही है ना उसे देखिए और फिर बताइए कि मैं कितनी झूठ और कितनी सही। सीरियसली मैं आज से पहले नहीं मान रही थी कि पायल मलिक की फेक प्रेगनेंसी है, लेकिन ये वीडियो देखिए और फिर जवाब दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिएगा, ये पेट खिसका, नहीं देखा? अभी देखिएगा, ये गया ऊपर पेट। अब बताइए तो दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको क्या लगता है? क्या जो लोग कह रहे हैं पायल मलिक की फेक प्रेगनेंसी है, पायल मलिक के बच्चे उसके नहीं है, क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं? जो लोग इन लोगों के हितेशी हैं, इनके फेवर में हैं, क्या उनको आज भी ये लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं? यार इतना बड़ा सच देख के अगर आप आज भी उन्हें सही कहते हो तो हैट्स ऑफ है आपको। अगर उनको सैरोगेसी के थ्रू प्रेगनेंसी करानी भी थी तो ऑडियंस को बताने में क्या दिक्कत थी? आप बताते, आप तो हमें अपनी फैमिली कहते हो ना, यूट्यूब वाले आपकी फैमिली हैं, तो अपनी फैमिली से शेयर करते कि भाई हमको प्रॉब्लम है, हमको ऐसे बच्चा नहीं हो सकता तो हम ऐसे कर रहे हैं। जब आप इतनी बड़ी बात कर सकते हो कि IVF से हम करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सैरोगेसी से क्या दिक्कत थी? दूसरी बात, अगर आप लोगों के यहाँ भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और वो ऐसे ही आराम से अपना पेट ऊपर नीचे कर सकती है तो यार फिर हम तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, हैट्स ऑफ। बाकी रही बात खुलासों की, तो अभी आगे और भी बहुत खुलासे होने बाकी हैं दोस्तों, अभी बहुत खुलासे बाकी हैं। और जो भी और कुछ हो रहा है या हुआ है उसके लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मेरे को जैसे जैसे जो जो न्यूज़ मिलेगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और दूसरी बात कि अभी सबसे बड़ी आफत जो आने वाली है वो आने वाली है उस एडिटर पर जिसने ये एडिटिंग करी है। तो भगवान उसको मतलब उसकी रक्षा करे, उसकी मदद करे इनसे बचने में, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे हमारे साथ बने रहिएगा नेहा नेचुरल लाइफ पर, मेरे को जैसे ही जो भी न्यूज़ मिलेगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे दोस्तों। ओम नमः शिवाय दोस्तों।